भुजंगासन का यह अभ्यास दोनों हथेली को सीने के बगल में रखते हैं और पीछे से एड़ी, शुरू में यदि आपका ये पैर थोड़ा फैला के रखें क्योंकि अभ्यास नहीं होने के कारण आप इसको सटा करके करने में दिक्कत होगी, इसलिए शुरू के दिनों में दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बना करके और सांस भरते हुए बस इतना ही उठिए, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे फिर धीरे धीरे आप पैरों को सटाने का प्रयास करेंगे, पीछे से एड़ी और अंगूठा सटा हुआ, फिर इसके बाद हम आराम करते हैं थोड़ा देर के लिए, गर्दन को बाएं या फिर दाएं घुमाकर थोड़ा विश्राम कर देते हैं, फिर दोनों हथेली को जांघ के नीचे लगा करके और एक एक पैरों को उठाते हैं सर्वासन, फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाने का प्रयास करते हैं, यदि तकलीफ ज्यादा हो तो एक एक पैरों का ही अभ्यास करें, एक एक पैरों का, तकलीफ यदि कम होने लगे और अभ्यास आपका बढ़िया होने लगे तो इसको दोनों पैरों को एक साथ ऐसे उठाते हैं, फिर इसका दूसरा अभ्यास है दाहिने हाथ को आगे करते हैं और बाएं हथेली को कमर पर रखते हैं, आगे से दाहिने हाथ को उठाते हैं, पीछे से बाएं पैर को उठा रहे हैं, फिर दूसरे हाथ को, पहले चरण में मैंने दाहिने हाथ को आगे किया था बाएं को पीछे, इस बार में बाएं हाथ को आगे और दाहिने को पीछे कमर पर रख करके सांस को भरते हुए बाएं हाथ को उठाना है और पीछे से दाहिने पैर को, धीरे धीरे, फिर दोनों हथेली को पीछे ले जा करके ऐसे मुट्ठी बांधते हैं और पीछे से पैर सटा करके आप उसमें सांस को भरते हुए दोनों पैरों को मोड़ करके और यहाँ पकड़ के धनुरासन का अभ्यास करते हैं, इसमें आराम से सांस भरते हुए पैर को पीछे की ओर और आगे से गर्दन ऊपर उठाते हैं, सीना आगे से साफ दिखाई पड़े, थोड़ा सा फिर इसको सांसों को छोड़ते हुए इसका अभ्यास आप 3 से 4 बार 5 बार तक कर सकते हैं, आराम से करना है, सावधानी से करना है। इसके बाद हमें पीठ के बल लेटकर सबसे पहले कंधरासन यानी पीठ जमीन पर है और घुटने को मोड़े हुए हैं, दोनों हथेली को एड़ी में सटा करके और कमर को उठाना है, इसे सेतु बंधासन भी कहते हैं, सांस भर के थोड़ा देर रोकना है फिर धीरे धीरे वापस सांस को छोड़ते हुए
ज्यादा तकलीफ हो तो आप कमर उठाकर या तो इसमें हाथ को लगा सकते हैं ऐसे, या नीचे से तीन चार तकिया लगा करके थोड़ा होल्ड करेंगे तो आपको ज्यादा आराम मिलेगा। ठीक,